रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुमैया तनवीर और आप देख रहे हैं जोर न्यूज। आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। कोरोना वबा के बायस मजीद 67 अफराद जान बहक हो गए, जबकि फाल केसेस की तादाद में कमी वाकया हुई है। इसके अलावा मुल्क में कोरोना के 2000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,625 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मरीजों की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,482 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 3,14,158, पंजाब में 3,37,775, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,411, इस्लामाबाद में 80,927, बलोचिस्तान में 24,908, आज़ाद कश्मीर में 19,060 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,545 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा है कि सिंध हुकूमत का पानी के मसले पर सियासत चमकाना मुल्की मुफादात के खिलाफ है। सरदार उस्मान बुज़ार ने अहम बयान में कहा है कि पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का कमज़ोर मौक़िफ़ बला जवाज़ है। पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है, इस पर सियासत चमकाना मुल्की मुफादात के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध ने पानी के मसले को सियासी बनाकर कौम की कोई खिदमत नहीं की। सिंध को फसलों की बुवाई के दौरान तवातर के साथ पानी मिलता रहा, उस वक्त कोई शोर नहीं मचाया गया। अब पंजाब में फसलों की बुवाई हो रही है तो सिंध की जानब से शोर मचाना नामुनासिब बात है। उस्मान बुज़ार ने कहा कि पंजाब को अपने हिस्से के पानी पर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक हासिल है। पानी सियासी नहीं बल्कि टेक्निकल इशू है। इस मसले को अफामो तफहीम और टेक्निकल तरीके से ही हल किया जा सकता है। बयानबाजी करके पंजाब पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की मजम्मत करते हैं। पानी के मसले पर सियासत करना किसी को जेब नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 90 रोज में सब अच्छा कर देने वाले इमरान खान आज 33 माह और 11 दिन गुजरने के बाद भी कुछ ना कर सके और अगले 813 दिनों में भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 3 साल इक्तदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। आवाम समझ चुकी है कि उनको तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। 90 रोज में सब अच्छा कर देने वाले इमरान खान आज 33 माह और 11 दिन गुजरने के बाद भी कुछ न कर सके और अगले 813 दिनों में भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। साइकिल वाले वजीर आजम के किस्से सुनाकर इमरान खान ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सूबे की आला तालीमी दरसगाहों में अकलियतों के लिए दाखिला लेना आसान हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटियों में अकलियतों के दाखिले के लिए 2% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। महकमा आला तालीम की जानिब से यूनिवर्सिटियों को हदायत जारी कर दी गई। महकमा आला तालीम के मरासला में तमाम वाइस चांसलर्स को तरजीह बुनियादों पर पॉलिसी केस तैयार करने की हदायत करते हुए कहा गया कि गवर्नर की हदायत के मुताबिक 15 रोज के अंदर केस तैयार करके मुतलका फॉर्म के सामने पेश किया जाए। ताहम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और वेटनरी कॉलेज में दाखिले के लिए अकलियती कोटा अमल दरामद नहीं होगा। सिंध असम्बली ने पहली तब मैट्रिक लाजमी नाजरा कुरान की तालीम देने के बिल की मंजूरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सिंध असम्बली में पहली तब मैट्रिक लाजमी नाजरा कुरान की तालीम देने की मंजूरी का बिल MMA के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने जमा करवाया था। सैयद अब्दुल रशीद का कहना है कि इस्लामी तालीमात का नसाब में शामिल होना वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस तरह मगरब हमारे नज़रियात को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इकदामात फौरी किए जाएं कि जिनके नतीजे में नौजवान इस्लाम से जुड़े रहें। मैट्रिक तक जिन तालीमी इदारों में नाजरा कुरान की तालीमात ना दी जाएँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि वालदैन से भी गुजारिश करूंगा कि जिन स्कूलों में असरी तालीम के साथ दीनी तालीम नहीं दी जा रही वहां अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। जब तक तालीमी इदारों में अमली तौर पर लाजमी नाजरा कुरान का आगाज नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखूंगा।
नवाई इलाके अकबरक में सीटीडी की कार्रवाई के नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। जराय के मुताबिक क्वेटा के नवाई इलाके अकबरक में रात गए सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द क्वेटा में तखरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। इस इत्तला पर सीटीडी ने कार्रवाई की और दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। इसके अलावा फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और क्वेटा से मजीद नफरी तलब कर ली गई। मुर्गियों में वायरल बीमारी सामने आने पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आवाम को मशवरा दिया कि वो सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवा कर गोश्त खरीदें और किसी भी सूरत में पहले से तैयार शुदा गोश्त मत खरीदें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन यानी PMA सेनेटर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर SM कैसर सजाद ने कहा है कि हाल ही में प्रेस और मीडिया में मुर्गियों में फैलने वाली वायरल बीमारियों से मुतल्लक रिपोर्ट सामने आई है, जबकि ऐसी भी खबरें आई हैं कि कुछ लालची लोग अपने मखसूस ग्राहकों को इंतहाई कम कीमत पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी फरोख कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद ऐसी काली भेड़ें मासूम लोगों की सेहत और जिंदगियों से खेल रही है। PMA ने सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि वो अपने अपने खुराक के महकमों को मुतहरक करें, क्योंकि अगर आवाम बीमार मुर्गियों का गोश्त खा रही है तो ये उनकी नाकामी है और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जोर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें www.zornews.tv। देखते रहें जोर न्यूज़।